मैं नीता बियानी है और मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला चांदनी चौक का अध्यक्ष बनाया गया है और जिम्मेदारी दी है कि घर घर जाके लोगों से कांटेक्ट करके और किस तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हैं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार उनको दे सकते हैं, जिससे कि हमारी भारत की जो भी संस्कृति है वो जिंदा रहे। और साथ ही मोदी जी की जो योजनाएं हैं सबका साथ सबका विकास, उस पर भी हमें कार्य करना है और हम कर रहे हैं। तो मैंने जो मेरे 16 वार्ड हैं, 5 विधानसभा है, उसमें कार्य शुरू किया है और घर घर जाके इस समय हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी मैंने प्रोग्राम किया है, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह पर भी मेरे प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पर गुजरावाला टाउन में, जो बहुत ही सफल रहा है। और आगे अब स्वच्छता अभियान पे भी हमने किशनगंज में कार्य किया और उस कार्य करने के बाद में काफ़ी लोग सजग हुए हैं और स्वच्छता अभियान पे इस समय काफ़ी अच्छा काम चल रहा है आज। और आने वाले वक्त में मैं मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं उन पर भी कार्य कर रही हूँ और साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा रही हूँ कि हर वार्ड में जाके हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाया जाए, जिससे कि लोगों को ये बता रहे कि हाँ हमें किस तरह से स्वस्थ रहना है। जब हमारा मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा, तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। तो इस पे मेरा काम करने का भी विचार है और कर भी रही हूँ मैं कि मुझे किस तरह से करना है। जो मोदी जी योजना लेके आए हैं, ये दिल्ली वासियों को इसका लाभ मिल रहा है? मिल रहा है, मैंने जगह जगह लोगों से कॉन्टेक्ट किए हैं और वही मैं कह रही हूँ कि हेल्थ अवेयरनेस कैंप के साथ साथ मैं मोदी जी की जो योजनाएं हैं उस पर एक एक दो दो टॉपिक पर लोगों से चर्चा करूं। अभी मैंने 2-3 बैंक अकाउंट खुलवाए हैं जो मेरे घर में काम करती है, जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी बच्ची 9 साल से छोटी है, कि सुकन्या योजना पे आप लोग उनका बैंक अकाउंट खुलाइए जिससे कि आपको आगे जाके कभी दिक्कत ना आए। इसी तरह से मैं बच्चों को पढ़वाती भी हूँ कि जैसे एक बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है और माँ बाप चाहते हैं पढ़वाना, तो सरस्वती बाल मंदिर मेरे घर के नीचे है कि उसकी कमेटी में मैं मेंबर हूँ। निशुल्क तो निशुल्क मतलब इतना निशुल्क नहीं, लोगों के अंदर ये अगर हमने सब कुछ निशुल्क दे दिया, फ्री दे दिया, फिर तो कभी भी देश की प्रगति नहीं होगी। बिल्कुल। अगर आपको पढ़ाना है किसी बच्चे को तो मैंने ये बोला है कि आप पढ़ाइए, अगर 1600 रुपये फीस है तो 500 मैं दूंगी, एनुअल चार्ज मैं दूंगी, पर बाकी आपको देना है, जिससे अंदर आपको लगे कि हाँ हमें भी मेहनत करना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाना है। जैसे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज था कि क्रिसमस के कपड़े मत पहनाओ सांता क्लॉज के, और बच्चों को आरएसएस में आप एक ड्रेस भी खरीद के देते हैं तो आपका बच्चा सच्चा देशभक्त बनेगा और उन्हें पता रहेगा कि हाँ हमें किस तरह से कार्य करना है। तो इस पे मेरी सारी योजनाएं चल रही है। अभी 13 तारीख को हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाने वाली हूँ मैं मॉडल टाउन में, एक दूध जलेबी का प्रोग्राम। आज मैं नीचे स्कूल में गई थी तो ये बात करके आई थी कि आप डेंटल चेकअप भी बच्चों से करवाइए और साथ साथ हमें उन्हें प्रेरित करेंगे बच्चों को कि वो अपने पेरेंट्स को बोले कि आप घर में कूड़ा निकाल के सड़क पे फेंकते हो, वो भी ना करें, कूड़े को कूड़ेदान में डालें, जिससे अगर हम सब सुधरेंगे तो हमारा समाज और देश सुधरेगा। जो मैम 3 राज्यों में आपकी जो हार हुई है भाजपा, क्या कारण है? ये तो ऊपर वाले बताएंगे क्या कारण है, क्योंकि हम ज्यादा कुछ आत्मविश्वास से भर गए थे कि अब जीएसटी नोट बदली नहीं, आज जो मुद्दे रहे हैं इससे आपको नुकसान हुआ है भाजपा को? नहीं, ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जीएसटी जो आया है आगे आने वाले वक्त में हम सभी को बहुत उससे लाभ मिलेगा और मिल रहा है, क्योंकि अभी मेरी फैक्ट्री भिवाड़ी है तो मेरा किसी से मिलना हुआ और वो पक्के कांग्रेसी है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप बीजेपी से जुड़िए, आप कांग्रेसी मुझे पता है, तो पर आपको क्या लाभ हुआ जीएसटी से? उन्होंने कहा कि मुझे तो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया जीएसटी आने से। तो धीरे धीरे लोगों में चेंजेस आएंगे, विचारधारा बदलेगी, एकदम से लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट होगा और फायदे बहुत होंगे, पर कुछ ज्यादा हम आत्मविश्वास से भर गए हमारे कार्यकर्ता कि बस बीजेपी सब जगह। तो सबसे पहले तो नीचे लेवल से आपको काम करना पड़ेगा। आज हमारी निगम पार्षद है, जो भी विधायक है, अगर वो जमीन से जुड़ के कार्य करेंगे तभी हम आगे प्रगति कर सकेंगे, और हम ही अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे बीजेपी को ला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव होंगे इसमें क्या लगता है, 700 सीट पर भाजपा आ सकती है? 100% आएगी, पर उसके लिए हमें मेहनत करनी है। आप लोगों के मुद्दे क्या लेके आएंगे आप जनता के बीच? देखिये एक तो स्वच्छता अभियान है,
मेक इन इंडिया का है, जैसा मेरा बच्चों से काफी बच्चों से बातचीत चलती है कि वो भी खुश हैं कि हाँ जब से मेक इन, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि लोगों को बाहर से नौकरी छोड़ छोड़ के अब इंडिया में आ गए हैं कि हाँ हमें भी कुछ करने को मिलेगा और अपना देश तो अपना देश है। तो मोदी जी की विचारधारा को देखते हुए, मोदी जी को देखते हुए आज हर कोई वाकई, मतलब एक हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमें विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहा है। तो 2019 में 7 सीटों पे भाजपा 100% आएगी। क्षेत्रीय सांसद का कैसा काम है हर्षवर्धन जी का? हर्षवर्धन जी का कार्य बहुत अच्छा है और आज भी वो हमारे बीच थे और उन्होंने काफी उद्घाटन किए हैं और अगर वो इस तरह आते रहे और कार्य करते रहे तो 100% भारतीय जनता पार्टी। ओपन जिम के अलावा कोई विकास नहीं दिख रहा दिल्ली के अंदर, चाहे सातों सांसद की बात की जाए, हर जगह ओपन जिम, इसके अलावा कोई विकास कार्य को कोई सांसद लेके नहीं आया दिल्ली में, क्या कारण है इसका? मैंने कहा ना आपको, सबसे पहले निगम पार्षद अच्छा कार्य करे, उसके बाद में विधायक करे, यहाँ लोगों को फ्री के खाने के शौक, मतलब जितने भी हैं, जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि फ्री बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। लोगों के अंदर होना चाहिए कि हाँ हमें कमाना है, हमें करना है, फ्री से आप कब तक चलोगे। तो बिजली पानी से राहत है आप लोगों को? बहुत, पहले तो हमेशा 5-6 घंटे जाती थी, इन्वर्टर रखना पड़ता था, अब तो मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ लाइट गई है। और गांव गांव में भी और जहाँ हम लोग जाते हैं बात करते हैं, कहीं भी हर जगह बिजली पहुंची है। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं तो 100% मोदी जी को देना चाहूंगी। मोदी जी को देना, लेकिन तो कांग्रेस के कार्यकाल में बिजली जो इतनी गुल हुआ करती थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुई। पहले तो बिजली रहती कहाँ थी, ये लगता था कि रात में बाहर गली में जाके सोगी, कहीं से ठंडी हवा मिले, खुले में सोना पड़ता था। बट जब से मतलब बीजेपी आई है, आ रही, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। आज देखिए, मैं यहाँ से रोज जाती हूँ भिवाड़ी राजस्थान अपनी फैक्ट्री, कम से कम 7-8 फ्लाईओवर ऐसे बने थे जो बीच में रुके हुए थे, और यहाँ तक कि हीरो होंडा चौक का जो फ्लाईओवर है और जो अंडरपास उन्होंने बनाया इतने कम टाइम में, केएमपी मानेसर वाला जो फ्लाईओवर है वो चालू हुआ है। तो ये नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना में काम हो रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं चंडीगढ़ पंजाब साइड जाती तो 25 फ्लाईओवर मैंने गिने थे जो बने नहीं थे, आज बन चुके हैं। बस थोड़ी सी एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम सड़क तो बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसके साथ में जो जगह छोड़ देते हैं ना, इसी वजह से हमारे यहाँ पॉल्यूशन है। अगर जैसे आप यूएस वगैरह कहीं जाएंगे तो कॉर्नर से कॉर्नर टच है, उसके बाद ग्रीनरी है, वो चीज और हम थोड़ा सुधार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? 100% लड़ूंगी। तो विधानसभा लड़ना चाहते हो? हाँ। तो इस बार लड़ेंगे आप? अगर आपको, अगर मुझे टिकट मिली तो मैं जरूर लड़ूंगी, क्योंकि मेरा मन है कि मैं देश के लिए काम करूं और कम से कम जो भ्रष्टाचार है वो खत्म करके, और दिल से अगर हम काम करेंगे तो हमारा भारत स्वर्णिम भारत कहलाएगा एक दिन। बिल्कुल। कितनी पोलिंग बूथ है यहाँ पे? यहाँ पे इस विधानसभा में अभी काफी चेंजेस में 63 आए हैं, 66 बने हैं। सब पे पकड़ भाजपा? 100% है। अभी हमारा बूथ सम्मेलन हुआ, अमित शाह जी ने लिया था परसों, और लोगों के विचार भी अच्छे हैं और लोग कर रहे हैं काम। और आप बिना प्रतिनिधि क्या क्या काम कर रहे हो यहाँ के लोगों के लिए? मैंने तो अभी ये मंच लिया है, मैं तो शुरू से काम करती हूँ, जैसे मैंने हेल्थ अवेयरनेस कैंप काफी लगाए हैं, कैंसर जागरूकता शिविर लगाया है, लोग बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बट उनको निकाल के लाना, एक मंच देना, ये काम भी मैंने किया है। क्योंकि दिल्ली प्रदेश महेश्वरी महिला संगठन की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रही हूँ, तो घर घर गली गली जाके महिलाओं को लेकर आना, ये तो एक समाज का हो गया। उसके अलावा भारत विकास परिषद है, उसके थ्रू हम लोगों ने हर लेडीज में जेंट्स में बहुत सारी मतलब कला है जिनको आपको सिर्फ एक स्टेज देने की जरूरत है, और आप अपना बना के अगर सबको चलोगे तो लोग आपके साथ जुड़ के कार्य करेंगे। अंत में जानना चाहेंगे, जो दिल्ली विधानसभा में आपकी सरकार नहीं बन पाई 20 सालों से, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या लगता है? सीएम घोषणा करना या जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट ना देना या आपसी गुटबाजी? मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि अब मैं इतना डीपली मुझे जाना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि आपसी गुटबाजी और सब कुछ छोड़ के जिसको भी टिकट दिए है उस वो अगर ईमानदारी से कार्य करे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ये सीट भी ना हमें मिले, जरूर मिलेगी। बिल्कुल।
इसके लिए हमें खुद मतलब अपने आप को निस्वार्थ भाव से कार्य करने दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ अगर मुझे सीट मिले तो मैं निश्चित रूप से कार्य करूंगी। अभी भी कर रही हूँ, अभी मैंने एक आज ही एक प्रोजेक्ट बनाया है। मैं यहाँ गई थी लालबाग में कि चलो पाठशाला, तो मुझे हर बच्चे को चलो पाठशाला मतलब वही है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। आप अपने घर में जिस तरह से लड़ते झगड़ते, कम से कम बच्चों के सामने ना झगड़े, दारू ना पिए, सब कुछ करे, तो शायद जो मैंने देखा है, बच्चा पहला संस्कार कहाँ से लेता है, माँ से लेता है। तो अगर माँ बाप अगर अच्छे तरीके से रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो इमेज एक बच्चों में आती है और बच्चों को भी लगता है कि हाँ हमें इस तरह से जीना है। और माँ बाप भी झगड़ा करते रहेंगे और सब कुछ रहेगा तो बच्चे भी उसी तरह के बनते जाएंगे, क्योंकि आप पहली शिक्षा तो अपने माता पिता से ले रहे हैं।